नमस्कार एंड वेलकम टू ओपीएससी एंड 10 विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग ओपीएससी 2015 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, केबीआर नेशनल पार्क कौटे अच्छे? केबीआर मैंने हूँ कासू ब्रह्मानंदा एंड दिस इज बेसिकली लोकेटेड इन हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ फ्रॉम वेयर डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट? नर्मदा रिवर कौट ओरिजिनेट करे? बट देखो क्वेश्चन आपको ऑप्शंस कौन दे? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज, ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज, सदर्न स्लोप्स ऑफ द सतपुरा रेंज या नन ऑफ द अबव। सो नर्मदा रिवर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा रू बाहर थाए इन द अमरकंटक प्लेटू दिस इज इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। नर्मदा रिवर लेंथ होची 1312 किलोमीटर एंड ए जो रिवर टा इटू बाहरी ची दिस इज बेसिकली इन योर मैकाल रेंज पाखापाखी 1057 मीटर एलिवेशन रो माउंटेन रेंज। ओके सो नर्मदा रिवर को आउ गोटे जिनस कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया भितर नेचुरल बाउंड्री भी कहा जाए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपन जानिबा कथा कि नर्मदा रिवर गोटे वेस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर हवा कारण से फिर कौट जाए ना गल्फ ऑफ खंबत जाइना अरेबियन सी मिसी थाए। सो वेस्ट ऑफ भारूच सिटी वेस्ट रे इट बेसिकली गोज फ्रॉम दैट पार्ट। ओके ये करेक्ट आंसर अच्छे नॉर्थ ईस्ट ऑफ सतपुरा रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पचार एंड तापूर्व आ गोटे क्वेश्चन अच्छे आई गेस। हाँ सो या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौटा हम? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नॉर्थ साइड कॉरिडोर बेसिकली इंडिया रे अच्छे। सो वी कैन सी दिस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ईस्ट रे सिलचर, वेस्ट रे पोरबंदर, नॉर्थ रे श्रीनगर एंड साउथ रे कन्याकुमारी। सो यहाँ भितर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अच्छे आपको पचार ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौटा हम? सो दिस इज सिलचार। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीव, इंदिरा पॉइंट इज नियर टू डैश? इंदिरा पॉइंट आपंकर जो अंडमान निकोबार अच्छी से निकोबार आइलैंड सब जो बड़ा आइलैंड है सीटा हो ग्रेट निकोबार एंड यार सदर्न मोस्ट पॉइंट होची इंदिरा पॉइंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सतलेज रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ डैश? सो इंडस रिवर ट्रिब्यूटरी होची सतलेज रिवर। एज यू नो सतलेज रिवर और सतलेज रिवर संगे आपंकर रावी रिवर मिसी थाए रावी रिवर सिमिलरली रावी आउ बियास कोटू बाहरती रोहतांग पास रो ता उपरे आपंकर बड़ा लाचला रु चेनाब रिवर बाहरी थाए। चेनाब रिवर संगे झेलम रिवर मिसी थाए जोटा कि वेरीनाग जम्मू एंड कश्मीर रु बाहरी छी। सिमिलरली रोहतांग पास पखरे ही रावी रिवर भी बाहर थाए। नाउ दिस रावी रिवर मिसी थाए चेनाब संगरे रावी और झेलम चेनाब संगरे मिसंती बियास रिवर मिसे सतलेज संगरे फिर चेनाब रिवर आसिकिना सतलेज रिवर में मिसी जाए आउ टिके टाइम पर इमाने इंडस संगरे भी मिसी जानती। सो सतलेज रिवर कहार ट्रिब्यूटरी हम इंडस रो ठीक अच्छे। हाँ तो ऑप्शन ए हम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर के हम? सो ए थर पेपर जो अच्छे ना ये एमती लगुच कि एग्जामिनर हैज बेसिकली सेड कि कार्य को पास होते देवे नहीं। ओके सो एनीवे द क्वेश्चन पेपर इज अ रिलेटिवली टफ पेपर। गंगोत्री ग्लेशियर लेंथ पचार। सो गंगोत्री आपंकर पाखापाखि 30 किलोमीटर इन लेंथ एंड 2.5 किलोमीटर वाइड आसब ठीक अच्छे। हाँ सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट एरिया इज ऑक्युपाइड बाय डैश? सो एजाए आम जानचु कि सॉइल्स छटा टाइप था एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यहाँ अनुसार 8 काइंड ऑफ सॉइल्स था। नाउ दीज सिक्स सॉइल्स जो अच्छा सब अधिक प्रेडोमिनेंट होची एलुवियल सॉइल 43%, तापर रेड सॉइल रेड एंड येलो सॉइल पाखापाखि आपंकर 18% एंड तापर ब्लैक सॉइल 13-15%, तापर लैटराइट सॉइल एंड अदर सॉइल्स आर देर एरिड सॉइल ऑल दी सॉइल्स आर देर। तो सेकंड लार्जेस्ट एरिया ऑक्युपाइड बाय द रेड सॉइल। रेड सॉइल जनरली आम देखा ओडिशा एरिया में मिल नॉर्थ ईस्ट इलाका में मिल सदर्न एरिया रो भीतरिया एरिया मेन लैंड पाखे सदर्न रो बाउंड्री में मिल लैटराइट सॉइल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पोजेसेस द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? सब अधिक फॉरेस्ट एरिया को स्टेट रे अच्छे अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एंड एमपी। द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश बिकॉज ये कौन पचार लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कह रहा। सो द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश लगभग 25% इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। लगभग 25% इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश
सिमिलरली जदि परसेंटेज अफ फरेस्ट एरिया पचार था कि कौ स्टेट सबुठ अधिक परसेंटेज अफ फरेस्ट लैंड ताल आंसर हम मिजोराम जोटि कि 85% अफ फरेस्ट कवर रही ठीक अच्छे ओके एटी लगभग आप 77,000 किलोमीटर स्क्वायर खाली फॉरेस्ट कवर मध्यप्रदेश रही अच्छे।